जो वादा हमने किया था उस कमिटमेंट को हम लोग पूरा करेंगे। और जब वादा जब 10 लाख का हमने किया था तो बोला था जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब करेंगे। अभी तो हम उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमसे चर्चा की है, वो गंभीर है इस मामले को लेकर के। सो हाय एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का और सभी लोगों का एक नए वीडियो पर स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है कि वर्तमान में बिहार में 4-5 दिन पहले जो है जेडीयू और आरजेडी यानी कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव की सरकार मिलकर के बनाई गई है, इसमें बीजेपी को हटा दिया गया है। जैसे कि आज से कुछ दिन पहले मैंने वीडियो के माध्यम से आपको सूचना दी थी कि नए सरकार में सेविकाओं सहायिकाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है, मानदेय उनका बढ़ सकता है, क्योंकि आरजेडी के घोषणा पत्र में 2020 के चुनाव के समय ये कहा गया था कि हम 10 से 20 लाख रोजगार भी देंगे और जो भी संविदा पर कार्य करने वाले कर्मचारी उनके मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे। सेविका सहायिका आशा कार्यकर्ताओं की बात उसमें क्लियरली कही गई थी, मैंने आपको घोषणा पत्र भी दिखाया था। अब इस पर एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा, बड़ी चर्चा हो रही है। मैं एक फेमस न्यूज चैनल का इंटरव्यू तेजस्वी यादव जी का आपको दिखाऊंगा जो 3-4 दिन पहले आया हुआ है, उसमें वो क्या कहते हुए देखते सुनते हुए आ रहे हैं, ये भी आपको जानना चाहिए कि क्या उम्मीद हम इस सरकार से रख सकते हैं और क्या क्या चीजें जो है जॉब के लिए या फिर आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए आ सकती है। तो वीडियो में देखिए, आपको पसंद जरूर है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को अपने ICDS के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको ये जानकारी भी मिल पाए और सभी लोग क्लियर हो पाए। 2020 में आपने सबसे बड़ा जो नारा दिया था 10 लाख रोजगार का, नौजवानों को आपसे बहुत उम्मीद थी ही और लोग भी आपके पीछे दौड़ते थे। अब उस मौका आया है आपको लोगों को रोजगार देने का। नीतीश कुमार जी के साथ आपकी कल भी बैठक हुई, परसों भी बैठक हुई, क्या 10 लाख रोजगार को लेकर कोई प्लान बना है, कैसे रोजगार देंगे लोगों को? देखिए, 2020 में हमारा मुद्दा रहा और अभी तक भी हमारा मुद्दा है, क्योंकि बेरोजगारी सही मायने में सबसे बड़ी समस्या बिहार की ही नहीं बल्कि पूरे देश की है। केंद्र सरकार तो नौकरियां खा गई, सब कुछ खत्म कर दिया, कारखाने बंद हो गए, कुछ नहीं मिल रहा लोगों को। तो आप ये कह सकते हैं कि वो 10 लाख का जो वादा हमने किया था उस कमिटमेंट को हम लोग पूरा करेंगे। और जो वादा जब 10 लाख का हमने किया था तो बोला था जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब करेंगे। अभी तो हम उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमसे चर्चा की है, वो गंभीर है इस मामले को लेकर के। तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां जो है देने के अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है। और आप तो जान रहे हैं अभी ट्रस्ट वोट होना है, एक बार ट्रस्ट वोट हो जाए, गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए, उसके बाद जो है ये काम होगा लोगों के लिए, ज़रूर होगा। और सब लोग गंभीर हैं और हमारे हाथों नहीं तो नीतीश कुमार जी के हाथों होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री जी करेंगे तो हमें और खुशी होगी कि जो नौजवानों का सवाल था, जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, उसको नौकरी हम लोग दे पाए, रोजगार दे पाए। लेकिन नौकरी देना जितना हम लोग दे पाएंगे वो हम लोग नौकरी तो देंगे। तो फाइनली जैसे कि मैंने आप लोगों को ये 3-4 मिनट का इंटरव्यू दिखा दिया जो आज से लगभग 3-4 दिन पहले शूट किया गया था एक मुख्य न्यूज चैनल के द्वारा, और ये इंटरव्यू पूरे बिहार में काफी वायरल हो रहा है। अब हम आपसे बात करेंगे, चूंकि इसमें रिपोर्टर के द्वारा आंगनबाड़ी के मुद्दे पर कोई भी बात, कोई भी प्रश्न जो है तेजस्वी यादव जी से नहीं पूछा गया है, लेकिन इनका सीधे सीधे ये कहना है कि जो भी वादा हमने 2020 में किया था वो हमने उस समय विधानसभा चुनाव के समय किया था, वो हम तब पूरा कर सकते थे तुरंत जब हम मुख्यमंत्री बनते तब। अभी फिलहाल वो उप मुख्यमंत्री है तो उन्होंने सीधे सीधे ये मामला जो है, ये पूरा का पूरा मसौदा जो है नीतीश कुमार जी यानी मुख्यमंत्री के ऊपर सौंप दिया हुआ है। यानी उनका कहने का मतलब है कि अगर मुख्यमंत्री चाहेंगे तो 2020 में हमने जो वादा किया था वो पूरा होगा। तो उनका जो वादा जॉब का था, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर्स का था, मानदेय का था, पेमेंट का था, आशा वर्कर का था, ये सारे मुद्दे अब सीधे सीधे कहीं न कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर अब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी वादे हमने किए थे वो हम पूरा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम उप मुख्यमंत्री है, सारा काम जो है नीतीश कुमार जी का हाथों में है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या ये वादे जो है
2020 के चुनाव में आरजेडी के द्वारा जो किए गए थे और वर्तमान में मुख्यमंत्री आरजेडी से हैं, तो क्या ये वादा जो है पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो जॉब का हो या फिर आंगनबाड़ी वर्कर्स का हो? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपकी राय जानने की कोशिश करेंगे। तुम्हें तो वीडियो से कुछ ना कुछ जानने सुनने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।